Hey friends, राजेश here. तो finally Xiaomi ने जो है globally जो है अपना security application जो है उसको अपडेट कर दिया है, जो कि अब global और Indian users के लिए available है, जिसके अंदर काफ़ी सारे मेजर चेंजेस किए गए हैं, UI में काफ़ी सारे जो है मॉडिफिकेशंस किए गए हैं. तो फाइनली जो है अपडेट जो है रोल आउट हो चुका है. तो अपडेट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप उसको इंस्टॉल करेंगे. मैं आपको बताऊंगा क्या क्या नए चेंजेस देखने को मिले हैं और किस तरीके का गेम टर्बो अब आपको उसके थ्रू भी देखने को मिलता है. वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा. चैनल के सपोर्ट एंड मोटिवेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. हमने इसको अपने दो डिवाइसेस में चेक किया है और दोनों ही फोन्स में ये परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है. ये स्टेबल वर्जन है ग्लोबल और इंडियन यूजर्स के लिए. तो चलिए बिना देरी करते हुए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं. तो Xiaomi ने जो सबसे मेजर चेंज ये किया है कि अब उन्होंने जो सिक्योरिटी एप्लीकेशन है उसको फुल्ली अपडेट कर दिया है और ग्लोबल और इंडियन रीजन के लिए लॉन्च कर दिया. अगर आप देखेंगे तो जो क्लीनर का ऐप है, अब क्लीनर के ऐप में आपको जो है सारी की सारी इन्फो यहाँ पे शो होती है कि आप जो है 137 MB फाइल्स जो है यहाँ पे क्लीन कर सकते हैं. पहले क्लीनर के ऐप में ये चीज़ जो है मेंशन नहीं की जाती थी. जैसे कि आप देख पाएंगे, अगर हम क्लीनर के ऐप को रन करते हैं तो जितने भी आपको यहाँ पे शो करते हैं नंबर्स कि कितने MB या कितने GB जो है आप यूज़ कर रहे हैं, यानी इसको क्लियर कर सकते हैं, उस तरीके की वैल्यू जो है अब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी. जैसे कि आप देख पा रहे हैं कुछ इस तरीके के नंबर्स अब आपको यहाँ पे आइकन्स पे देखने को मिलते हैं. तो जो अपडेट मिला है वो है सिक्योरिटी ऐप को. जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सिक्योरिटी ऐप के अंदर आपको काफी सारे टूल्स देखने को मिलते हैं, जैसे क्लीनर, सिक्योरिटी स्कैन, बैटरी परफॉर्मेंस, बूस्ट स्पीड, मैनेज एप्स एंड डीप क्लीन. तो अब सिक्योरिटी की ऐप को अपडेट करने के बाद जो कुछ नए चेंजेस जो आपको देखने को मिलेंगे, जैसे हम उसको लॉन्च करेंगे उसके बाद अगर अपने फोन में जाते हैं और आपको वहां पे गेम टर्बो का जो ऑप्शन देखने को मिलता है, आप उसको जैसे ही लॉन्च करेंगे तो ये देखिए कुछ इस तरीके का नया लोगो अब आपको यहां पे देखने को मिलता है और कुछ नए यूआई के साथ जो है अब आपको गेम टर्बो की ऐप जो है यहां पे आपको प्रोवाइड की गई है. तो यूआई जो है कंप्लीटली चेंज कर दिया है. कुछ इस तरीके का लुक आपको देखने को मिलता है. कुछ फ्लैगशिप फोन्स में आपको कुछ इस तरीके के ऑप्शंस देखने को मिलेंगे जिससे आप उनकी सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं, जैसे डिफॉल्ट सेव पावर हो गया. इस तरीके के काफी सारे ऑप्शन जो है अब आपको यहाँ पे इसके गेम बूस्टर में प्रोवाइड किए गए हैं. पहले ये बीटा स्टेज पे था बट अब इसको जो है रोल आउट कर दिया गया है ग्लोबली और इंडियन यूजर्स के लिए. तो अब आप इसको यूज करते हैं, एडवांस में जाके आप इसके क्लासिक मोड, प्रो मोड, कस्टमाइजेशन जो भी आप करना चाहें टच कंट्रोल्स को यहाँ पे यूज कर सकते हैं. तो ये सब चीजें जो है आपको GPU सेटिंग्स और एडवांस सेटिंग्स जो है अब आपको यहाँ पे इसके अंदर फोन के अंदर आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दी गई हैं. इवन अगर आप देखें तो हम गेम को लॉन्च करके मैं आपको दिखाऊंगा तो गेम लॉन्च करने के बाद भी काफी सारे यहाँ पे चेंजेस किए गए हैं. तो एक बार मैं आपके सामने जो है इस गेम को लॉन्च करता हूँ जो कि है पबजी का न्यू स्टेट. आप डायरेक्टली यहीं से गेम को लॉन्च कर सकते हैं. तो ये देखिए जैसे आप गेम को लॉन्च करेंगे और अपने लेफ्ट साइड से स्वाइप करते हैं तो आपको कुछ इस तरह का अब मेनू यहाँ पे देखने को मिलता है, जहां पे आपको लेफ्ट साइड पे एक स्लाइडर देखने को मिलता है जिसमें आप फ्लोटिंग विंडोज को यहाँ पे यूज कर सकते हैं. नीचे आपको सेंटर में यहाँ पे आपको काफी सारे टूल्स जो है आप प्रोवाइड किए हैं, जैसे DND मोड, स्क्रीनशॉट, रिकॉर्डिंग का ऑप्शन दिया है, सेटिंग का ऑप्शन दिया गया है, कलर्स का ऑप्शन दिया है, कलर्स को आप चेंज करना चाहते हैं तो कलर्स को चेंज कर सकते हैं, टर्न ऑफ स्क्रीन का ऑप्शन दिया गया है, कास्ट का ऑप्शन दिया गया है, वाईफाई एंड ब्राइटनेस का भी आपको यहाँ पे स्लाइडर यहाँ पे देखने को मिल जाता है. यही नहीं, आपको यहाँ पे फ्री अप स्टोरेज और क्लियर मेमोरी के दो टूल साइड प्रोवाइड किए हैं. और बूस्ट मोड को जैसे आप इनेबल कर सकते हैं उसमें आपको दो ऑप्शन मिलते हैं कि परफॉर्मेंस मोड को आपने इनेबल करना है कि नहीं. ये विदाउट परफॉर्मेंस मोड है, परफॉर्मेंस मोड को आप इनेबल कर देते हैं तो आप देख पा रहे होंगे बिफोर एंड आफ्टर जो FPS शो कर रहा है, आफ्टर वो 119 और 118 के बीच में स्विच कर रहा है और बिफोर वो 70 आपको शो कर रहा है. अगर परफॉर्मेंस मोड को हम डिसेबल कर देते हैं तो आप देख पा रहे हैं कुछ इस तरीके के रिजल्ट जो अब आपको देखने को मिलते हैं. नीचे वॉइस चेंजर का ऑप्शन है जिसमें आपको सभी के सभी जो वॉइस चेंजर के जो टूल्स हैं वो आपको फुल्ली अपडेटेड यहाँ पे दिए गए हैं. साथ ही साथ आपको यहाँ पे टाइमर का भी ऑप्शन दिया गया है. तो एक नए तरीके का जो है अब आपको गेम बूस्टर कुछ नए UI के साथ यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है. जो सबसे अच्छी चीज लगी वो मुझे लगी जो क्लीनर ऐप है उसके UI में काफी चेंजेस किए हैं. अब वहीं पे आपको पता चल जाएगा कितनी मेमोरी जो है आप क्लियर कर सकते हैं. बट अगर आप इस ऐप को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा. टेलीग्राम का लिंक है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं. तो जो न्यू वर्जन जो है रोल आउट किया गया है ग्लोबली और इंडियन यूजर्स के लिए वो है सिक्योरिटी का 7.1.0.22.0.8.0.1.1.1 ग्लोबल APK. लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आपने सिंपली इसके ऊपर टैप करना है. टैप करते ही अपनी सिक्योरिटी एप्लीकेशन को आप अपडेट करेंगे, उसके बाद जो है आपको क्लीनर ऐप का जो आइकन है उसके UI में आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे, आपको नया गेम बूस्टर देखने को मिलेगा और सभी के सभी नए टूल्स जो है आपको गेम बूस्टर में आपको प्रोवाइड किए जाएंगे. इवन अपडेट करने के बाद आपको लगता है कि आपने इसको अनइंस्टॉल करना है तो आप इसको इजीली अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं. आप सेटिंग्स पे जाइए, सेटिंग्स में आप जाएंगे तो आपको ऐप्स का जो सेक्शन मिलता है, ऐप्स के सेक्शन पे आप जाइए, वहां पे मैनेज ऐप्स के ऑप्शन में जाएंगे, वहां आप सर्च करेंगे सिक्योरिटी. तो हम सिक्योरिटी को सर्च करते हैं एक बार. तो ये देखिए ये सिक्योरिटी की ऐप है. यहाँ पे आपको नीचे ऑप्शन देखने को मिलेगा अनइंस्टॉल अपडेट से, क्योंकि आपने अपने एप्लीकेशन को अपडेट किया.
इसको अनइंस्टॉल अपडेट कर दीजिए, उसके बाद जो है आपकी जो सिक्योरिटी की ऐप है वो वहां से रिमूव हो जाएगी और पुराना सिक्योरिटी का वर्जन जो आप यूज कर रहे थे वो आपके फोन में एक्टिव हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है आप जो है नया सिक्योरिटी का एप्लीकेशन जो कि Xiaomi ने ग्लोबल और इंडियन यूजर्स के लिए रिलीज कर दिया है उसको अपडेट कर लीजिएगा, उसके बाद नया UI जो है आपके फोन में इंप्लीमेंट हो जाएगा। अगर आप इस API को यूज करते हैं और आपके लिए काम करती है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा कौन से फोन पे आपने ट्राइंग किया और आपके फोन पे ये वर्क किया है कि नहीं किया, तो मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।